आजा प्रोग्राम में एक बार फिर हमने आप सब कोई के स्वागत करत है जा। जी हाँ, गणेश चतुर्थी पर्व में काष्ठी साड़ी के ढेर मना महत्व बाते और ई दिन सब कोई काष्ठी साड़ी पहने खोजे लन जा। आज हम आल है जा कैठोबोन में माई फैली दी शॉप में, माई फैली दी दुकान में, जहाँ पर ये ढेर मना काष्ठी साड़ी मिलेला। और मौसम में तो वैसे सगरो ये साड़ी बेचाला, चाहे वो रेडीमेड हो या फिर साड़ी ही। और आज हमने देखब जा काष्ठी साड़ी पर और एक महत्व पर जानब जा। तो चल हमने के संगे संगे साथ सजा प्रोग्राम में। काष्ठी पहने के आसान नहीं है, जन लोग रेडीमेड काष्ठी किने लन जा वो आसान है, लेकिन ऐसे ही एक गुस्सारी लेके पहने के उतना आसान नहीं है। देखा हमर बगल में खड़ा हवन मेधा और ई हवन दाना। आज मेधा हमने के दिखयन, मतलब तू लोग के दिखयन कि काष्ठी साड़ी कैसे पहने के। सबसे पहले आप इसको एक नॉट लगाएंगे, प्लीसे डालना शुरू करेंगे, प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। इसको पीके करेंगे, अब आपको प्लीट्स में एक सेपान लगाना है, सेफ्टी पिन लगाना है। अब आप प्लीट्स को अच्छे से सेट करेंगे। आपको प्लीट्स को काउंट करना है, अप्रोक्स कितना प्लीट्स काष्ठी साड़ी में आपने डाला है। अब आप प्लीट्स को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, यही काष्ठी का मेन पार्ट है जो काष्ठी को ब्यूटीफुल बनाता है और एग्जैक्ट लुक देता है। जब आप प्लीट्स को सेपरेट करोगे, मिडल वाला प्लीट्स पीछे की तरफ लोगे। अब आप मिडल प्लीट्स को पीछे की तरफ अच्छे से हाथ में उठा कर ले लोगे। अब आप मिडल प्लीट्स को पीछे की तरफ पीके करोगे।
ध्यान रखना है कि जो कास्टी का बॉर्डर है उसको पीछे से अच्छे से लगाना है, यही कास्टी का मेन लुक है। कास्टी साड़ी का महत्व, इसे गणपति में पहना जाता है और ये कास्टी साड़ी अनेक प्रकार की होती है, जैसे हैंडलूम कास्टी है, कॉटन सिल्क कास्टी है और इसको अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग कलर्स में बनाए जाते हैं। कॉटन साड़ी के साथ में, कास्टी साड़ी के साथ में आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहन सकते हैं। गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है ये एक्चुअली महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। सो महाराष्ट्र में मेनली गणेश चतुर्थी, महाराष्ट्रियन लोग ये 9 मीटर साड़ी पहनते हैं। सो ये परंपरा चली आई है कि गणेश चतुर्थी में 9 मीटर साड़ी विथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज एंड ये सब इसकी परंपरा है। इसके साथ में आप ऑर्नामेंट्स, महाराष्ट्रियन ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं, जैसे लक्ष्मी हार है, बोरमाला है और इसमें कास्टी के साथ में नथ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर कास्टी के साथ में आप नथ नहीं पहनते हैं देन आपको कास्टी का वो परफेक्ट ब्यूटी नहीं मिलेगा, परफेक्ट लुक नहीं मिलेगा। सो कास्टी एंड नथ इज़ लाइक वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। उसके साथ में ही आप वेस्ट बेल्ट पहनेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगोगे। चूड़ी है, पायल है, ये सब गणेश चतुर्थी पे यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमारे पास में ग्रुप के लिए कास्टीज अवेलेबल है। कुर्ता में भी हमारे पास में ग्रुप के लिए कुर्ताज अवेलेबल है और हमारे पास में महाराष्ट्रियन पैटर्न जैसे गणपति पे स्पेशली पहना जाता है पगड़ी अवेलेबल है, पावियो अवेलेबल है जो रेयर आपको मिलेगा, लेकिन हमारे पास में ये भी अवेलेबल है, मोदी जैकेट अवेलेबल है। गणपति सूर निरागस हो सूर निरागस हो शुभनयन करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक शुभनयन करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो चरणावरण
रहासे भावत सेवा हो सुरा अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति सुरपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो। जैसे कि काष्टी साड़ी रहेला हम 9 मीटर होला साड़ी ऐसनी ही रेडीमेड काष्टी रहेला। जैसे कि अभी हम जो पहनले हैं वो बहुत ही आसान है पहनने के। और गणेश चतुर्थी के दिन पुरुष लोग अपन कुर्ता पगड़ी सब डाल के जालंजा पूजा करे, ऐसने ही महिला लोग अपन काष्टी पहन के जालंजा पूजा करे, मतलब साज सजा करके जालंजा पूजा करे। रेडीमेड कास्टी बच्चों की और एडल्ट की भी है, क्योंकि हर कोई कास्टी पहनना नहीं जानता है। सो इजी वे हमने ये ढूंढा है कि लाइक रेडीमेड कास्टी लेके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की होती है और पहनने में बहुत ही इजी होती है। Thank you.
मतलब सात सजा दिखेला ही, मतलब माथे पर बिंदिया, नाक पर नथ, कमर पत्ता, पायल, चूड़ी, ये सब दिखे के मिलेला। और ये सब सात सजा के बिना हमनी गणेश चतुर्थी मनाए ला सा, लेकिन अच्छा लगेला, मतलब श्रृंगार करेला सा तो अच्छा लगेला। ताते सप्ताह हमनी फिरो से मिलब जा सात सजा के एगो नवा प्रोग्राम लेके। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी जा काष्टी साड़ी पर और झांकी डांस पर। तो आप सबको एक ही गणेश चतुर्थी पर्व के ढेर मना शुभकामनाएं बातें। गणपति बाप्पा मोरिया। We'll be right back.